Welcome back to the 100 cases. This video will talk about the case of. Welcome back to this channel. In this video, we will talk about that whether silence while forming a contract is fraud or not, and two cases related to it. First case and second case. तो सबसे पहले आप ये जान लें कि मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने किसी से कोई बात छुपाई या फिर आपने उसको वो बात नहीं बताई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. अब जैसे कि मैंने आपको एक घोड़ा बेचा और वो घोड़ा अंधा था. अब आपको ये बात नहीं पता है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, लेकिन जब आपने वो घोड़ा खरीद लिया तो आपको पता चलता है कि वो घोड़ा तो अंधा है. तो क्या तब वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट तब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने बस एक चीज को नहीं बताया है. अब देखिए पहला केस, कीट्स वर्सेस अर्ल ऑफ कैडिगन. इस केस में क्या होता है कि जो पेटिशनर होते हैं वो डिफेंडेंट से जाके एक मकान किराए पर लेते हैं, और वो मकान पिछले 3 सालों से बंद पड़ा होता है. और जब वो मकान किराए पे लेते हैं जाके, तब वो मकान देखते हैं और वो किराए पे ले लेते हैं. बट फिर उनको बाद में ये पता चलता है कि ये मकान तो गिरने के कगार पे है. उस मकान में क्रैक्स आ रखे हैं और मकान की सारी नींवें सड़ चुकी हैं. और फिर वो ये बात जाके डिफेंडेंट से बोलता है कि आप मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए, क्योंकि ये मकान तो टूटा हुआ है, मुझे इसमें नहीं रहना. लेकिन डिफेंडेंट ये काम करने से मना कर देते हैं. अब कोर्ट इस केस में ये कहता है कि इस केस में जो गलती है वो है प्लेंटिफ की. उनको पहले मकान देख के रहना चाहिए था कि मकान कैसा है, और अब वो इस बेसिस पे कि मकान टूटा हुआ या खराब है, इस बेसिस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं. और इस केस में कोर्ट ने प्लेंटिफ की प्ली रिजेक्ट कर दी थी. अब देखते हैं दूसरा केस, नॉक्टर वर्सेस लॉर्ड ऑफ एशबर्टन. इस केस में क्या होता है कि जो नॉक्टर होते हैं वो एक सॉलिसिटर होते हैं, और वो लॉर्ड एशबर्टन को एडवाइस देते हैं उनके ट्रांजैक्शंस के लिए. और वैसे ही किसी एडवाइस में लॉर्ड एशबर्टन को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. और फिर लॉर्ड एशबर्टन एक फ्रॉड का केस लेके आते हैं नॉक्टर के खिलाफ कि उन्होंने उनके संग फ्रॉड किया है. अब फिर कोर्ट इस केस में ये कहता है कि मियर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, नो मैटर हाउ डिसेप्टिव इट इज, इट वुड नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक. और फिर कोर्ट इस केस में लॉर्ड एशबर्टन की प्ली डिक्लाइन कर देता है, और वो ये कह देता है कि नॉक्टर के पास कोई भी ड्यूटी नहीं थी उनको ये बताने की, और उनकी साइलेंस ने यहाँ पे कोई भी फ्रॉड क्रिएट नहीं किया. तो अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि सिर्फ साइलेंस रखने से फ्रॉड नहीं होगा, आपको उसके लिए झूठ बोलना होगा. तो इस वीडियो में बस इतना ही. I hope you have understood that how silence acts in a fraud. Then thank you for watching this video.